नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है आज के बुलेटिन का। पहली खबर एटा से है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी खबर बरेली से है, जहां पर इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में उमेश गौतम द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल दिए गए। मौके पर सैकड़ों जरूरतमंद नजर आ रहे हैं। तीसरी खबर अमेठी से है, जहां पर विराट दंगल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय कबड्डी खेल का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग मौके पर नजर आ रहे हैं। वहीं कबड्डी खिलाड़ियों की भी संख्या ज्यादा बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। चौथी खबर कासगंज से है, जहां पर दो पक्षों में फायरिंग हो गई है। इस दौरान इंस्पेक्टर के गोली लगी है। आसपास के लोगों ने इंस्पेक्टर को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर कहा सुनी शुरू हुई थी और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला नरथर से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि गांव के ही दो पक्ष, जिसमें कि एक पक्ष प्रमोद यादव, दूसरा पक्ष ऋषिपाल यादव का है, इनमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भैंसें खोल लिए जाने तथा उसे बंधक बना लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर वैश्य हरिभान राठौड़ तत्काल मैफोर्स के रवाना हुए। यहाँ पर मौके पर जैसे ही वो पहुँचे हैं, इन दोनों पक्ष के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि हरिभान राठौड़ के बाएं तरफ के कॉलर बोन में एक आग्नेय शस्त्र से घायल हो जाने की सूचना मिली। तत्काल इस सूचना पे जनपद का समस्त पुलिस फोर्स इस ग्राउंड के लिए मोबिलाइज किया गया है। जो मजरूब SHO हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए जनपद अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अभी हम लोग अपनी टीम के साथ गांव में मौजूद हैं, यहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर मीडिया को भी अवगत कराया जाएगा। खबर बांदा से है, जहां पर कोहरा के चलते बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। पूरा हादसा बांदा और कानपुर इटावा नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। मौके पर आसपास के लोग और स्थानीय लोग प्रशासन समेत भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। 45 साल की युवक को पुलिस द्वारा लाया गया है। ये कोतवाली देहात की पुलिस ले के आई है और ये बता रहे की तरैया गाँव जो कोतवाली देहात के अंदर आता है वहाँ से लाया गया है। ये मृत अवस्था में लाया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम करवाई दे दिए गए। ये रोड एक्सीडेंट के केस बता रहे। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करैया के पास एक डंपर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार व्यक्ति श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा, उम्र लगभग 85 वर्ष, जो करहिया के रहने वाले हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उपचार हेतु जिला अस्पताल एडमिट कराया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सबका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डंफर को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। हमारे भाई हैं बड़े, सुबह जो है खेत की रखवाली के लिए गए थे देखने के लिए, और पता नहीं ये ट्रक कहाँ बालू लेने जा रहा था, कहीं के लिए खदान की तरफ जा रहा था, तो बिल्कुल जो है पीछे से चढ़ा दिया साइकिल के ऊपर। आन स्पॉट जो है उनकी मौत हो गई। हमें बाद में पता चला पुलिस जो है बॉडी को लेकर चली गई बांदा, और हमको सूचना भी नहीं दी गई। बाद में गांव वालों के माध्यम से हमें मालूम पड़ा, तो हम जब तक आए तब तक यहाँ बॉडी भी नहीं थी। अब जो है वहाँ जिला अस्पताल ले गए हैं, वहाँ से मालूम पड़ा कि वो मृत घोषित कर दिया है। ट्रक पकड़ गया? ट्रक नहीं पकड़ गया, ट्रक भाग गया। छठवीं खबर वाराणसी से है, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा
समारोह में शामिल होने के लिए बनारस घराने के शहनाई दुर्गा प्रसाद को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर कौन क्या कहता नजर आ रहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा परिचय, मैं पंडित दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना शहनाई वादक, मैं खानदानी शहनाई वादक हूँ। हमारे जो खानदान में सारे लोग शहनाई बजाते थे, आज भी मैं होता है 3 साल का मैं शहनाई का सिखा रहा हूँ। हमें जो बहुत खुशी है और बहुत पूरी भारत की खुशी है, पूरे देश की खुशी है कि मैं रामचंद्र जी का जो है 500 साल पुराना, कई 1000 साल पुराना है, आज जो है स्थापित हुए हैं अपने स्थान पर। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनका दर्शन करूँ और फिर मैं आशीर्वाद लूँ। 7वीं खबर झांसी से है, जहां पर महिला थानेदार और हत्या के आरोपी के बीच कई राउंड गोलियां चली हैं। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के आरोपी की लगातार तलाश चल रही थी। सूचना मिली कि वह जंगल में छुपा हुआ है, उसके बाद कार्रवाई की गई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। राम प्रसाद उर्फ पतई की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हीं के दोस्त चिंटू उर्फ चिंतावन ने हत्या कर दी थी। इस पे पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके लगातार जो आरोपी है चिंटू उर्फ चिंतावन, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज थाना जज सकरार श्रीमती नीलेश कुमारी को सूचना मिली कि जावन के जंगल से होकर अपनी हार पे जाना है। इस पे उसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख चिंटू उर्फ चिंतावन ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जिस जवाबी फायरिंग में चिंटू उर्फ चिंतावन को गोली लगी, घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।